सो आज का हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। सो मेटल कटिंग पढ़ने के सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि मशीनिंग क्या होती है। तो मशीनिंग का मतलब ये है कि किसी भी प्री फॉर्म लाइन का मतलब ये है कि जो वर्कपीस जिसके ऊपर आप कटिंग कर रहे हो, जिस भी वर्कपीस के ऊपर आप कटिंग कर रहे हो उसको बोलते हैं हम प्री फॉर्म ब्लैंक। क्या बोलते हैं? प्री फॉर्म ब्लैंक। सो किसी भी प्री फॉर्म ब्लैंक के ऊपर उसके ऊपर जो एक्सेस मटीरियल है, एक्सेस मटीरियल को रिमूव करके उसको एक पर्टिकुलर डायमेंशन, और डायमेंशन भी कौन सी, जो कि आपको रिक्वायर्ड है उस डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करना, जो हमने लिखा है कि जो आपको डिजायर्ड डायमेंशन है वो डायमेंशन लीजिए। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें एक चीज और चाहिए, वो है आपकी सरफेस फिनिश। क्योंकि इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट के अंदर कि कोई भी चीज कोई मटेरियल मार्केट के अंदर आता है तो उसकी सरफेस फिनिश होनी बहुत जरूरी है। यदि आप भी मान लो इस मटेरियल मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो उस केस में आप भी देखते हैं कि उसकी सरफेस फिनिश अच्छी है कि नहीं है। सो मशीनिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक है आपका डिजायर्ड डायमेंशन और दूसरा है आपका सरफेस फिनिश। तो मशीनिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रीफॉर्म लाइन के ऊपर से यदि जब आप उससे एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर दें और उसको जो डिजायर डायमेंशन है वो मिल जाए प्लस उसकी सरफेस फिनिश अच्छी हो, उसको हम बोलते हैं मशीनिंग। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कटिंग कितने तरह की होती है, कितने तरह की कटिंग्स होती है। तो हमारी जो फर्स्ट बात है टाइप्स ऑफ कटिंग। सो बेसिकली जो कटिंग है वो दो तरह की होती है, एक होती है आपकी ऑर्थोगोनल कटिंग जो दूसरी कटिंग है उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कटिंग। वन इज ऑर्थोगोनल कटिंग और जो दूसरी है उसको बोलते हैं ऑब्लिक कटिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम कटिंग कर रहे हैं और दो डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग। जब फोर्सेस आपके दो डायरेक्शंस में लग रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग। और ऑब्लिक कटिंग के अंदर क्या है, जब आपके फोर्सेस थ्री डायमेंशन में लग रहे हो या थ्री डायरेक्शंस के अंदर लग रहे हो उसको हम बोलेंगे ऑब्लिक कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग को कभी कभी हम टू डायमेंशन कटिंग भी बोल देते हैं और इसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशन कटिंग। जब ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। जैसे पहला पैरामीटर ये है कि जो आपका कटिंग एज, जो आपका कटिंग एज है वो कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर ये है कि जो आपका कटिंग एज है, टूल का जो कटिंग एज है वो जितनी विड्थ आप कट कर रहे हैं उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। सो इसके बारे में स्टडी हम आगे करेंगे। सो हमें भी जानना जरूरी था कि ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब हमारे मेन टॉपिक जो है कि जो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग है कि मेटल कटिंग एक्चुअली होती कैसे है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कहाँ कहाँ फोर्सेस लगते हैं, कहाँ कौन सा स्ट्रेस लगता है, कौन सी चिप्स कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम हमारा एक बेसिक डायग्राम है उसकी चर्चा करते हैं। सो सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास एक वर्कपीस है, दिस इज आवर वर्कपीस, ये हमने अपना एक वर्कपीस बना लिया, दिस इज योर वर्कपीस, ये आपका टूल है। हम जो बात कर रहे हैं यहां पे ये आपकी ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आपकी ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर, ये आपका वर्कपीस है एंड दिस इज योर टूल। जो कटिंग वेलोसिटी है, जो कटिंग वेलोसिटी जो टूल आपका वो इस साइड मूव कर रहा है, कटिंग वेलोसिटी है वो आपकी इस साइड से इस साइड मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टूल है वो इस साइड से कटिंग करता आपका इस साइड पे मूव कर रहा है, ये आपका वर्कपीस है। सो जब ये कटिंग कर रहा है तो यहां पे डेफिनेटली आपकी चिप्स फॉर्मेशन होगी, ये आपकी मैंने चिप बना दी, ठीक है। सो दिस इज योर चिप, या फिर हम इसको बोलते हैं जो चिप कट हो चुकी है बोलते हैं कट, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो चिप बनती है वो बनती कैसे है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कैसे है। इनिशियली सबसे पहले क्या होता है कि जब पूल इस साइड मूव करता है
जब गोल इसके ऊपर कटिंग करता है, मूव करता है, तो एक पॉइंट के ऊपर आके ये यहाँ पे क्या करेगा, एक प्लेन है, इस प्लेन का नाम है आपका शियर प्लेन। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है इसमें, ये है आपका शियर प्लेन। कौन सा प्लेन है ये आपका? ये आपका शियर प्लेन। तो शियर प्लेन में क्या होता है कि जब पूल, जैसा आप देखते हैं पूल यहाँ पे जब इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, उस केस में क्या होगा, जब फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे ये अपना फोर्स एग्रीगेट करेगा तो यहाँ पे एक क्रैक बनेगा। क्या बनेगा? क्रैक बनेगा, और यही क्रैक आपका आगे प्रोपोगेट होगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब क्रैक प्रोपोगेट होने से क्या होगा, लेकिन पहले ये ज्यादा जरूरी है कि क्रैक जो प्रोपोगेट होगा वो कौन से प्लेन के अंदर होगा। सो ये जो प्लेन है जिसको हम बोल रहे हैं शियर प्लेन, इस प्लेन के अंदर वो क्रैक प्रोपोगेट होगा और वो अपने चिप्स को जनरेट करेगा। मीन्स जो चिप बन रही है, जो चिप की फॉर्मेशन है, जो चिप की फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ आपका शियर फेलियर की वजह से। किसकी वजह से हुआ? शियर फेलियर की वजह से। ये आपका शियर प्लेन। इस शियर प्लेन को हमने एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। इसको प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन क्यों बोला? इसको प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन इसलिए बोला कि सबसे पहले डिफॉर्मेशन इसी जोन के अंदर होगा। इस जोन में कैसे? यहाँ पे क्रैक प्रोपगेट हुआ, क्रैक होने के बाद जो क्रैक आगे बढ़ा था वो इसी जो शियर प्लेन है उसी शियर प्लेन के अंदर बढ़ा था। जो सबसे पहले कटिंग वाली स्टार्ट हुई कहाँ से हुई? इसी शियर प्लेन में। इसीलिए इसको हमने नाम दिया प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। ये जो शियर प्लेन है जो एंगल बना रहा है यहाँ पे इस प्लेन के साथ यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं फाइव। फाइव जो आपका है वो है आपका शियर प्लेन, सॉरी ये आपका शियर एंगल। ये जो एंगल है आपका, ये आपका शियर एंगल। शियर एंगल के बाद में आता है कि ये जो सरफेस है टूल का, जो टॉप मोस्ट सरफेस है दिस वन, ये सरफेस बोलते हैं रेक, और इसको बोलते हैं रेक सरफेस। सो रेक सरफेस क्या है? रेक सरफेस वो सरफेस है जिसके ऊपर से चिप मूव करती है। मींस जब आपने यहाँ पे कटिंग की, कटिंग करने के बाद में क्या हुआ? चिप फॉर्मेशन हुआ। चिप फॉर्मेशन होने के बाद में चिप किसी सरफेस के ऊपर से मूव करेगी। टूल के जिस सरफेस के ऊपर से चिप मूव करेगी उसको हमने नाम दिया रेक या फिर रेक सरफेस। अब और जो इसके अपोजिट है सरफेस, इसको हम बोलेंगे फ्लैंक। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको बोलेंगे फ्लैंक। फ्लैंक वो सरफेस है जो कि इस कटिंग सरफेस, जहां पे कटिंग हो चुकी है उस कटिंग सरफेस को, फिनिश को खराब होने से बचाता है। यदि फ्लैंक सरफेस नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि जब आप कटिंग तो करते हैं आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे जब ये सरफेस, टूल का सरफेस इसके कॉन्टेक्ट के अंदर आएगा तो उसके लिए क्या होगा कि उसकी वजह से इसकी जो सरफेस है जो हम ऑलरेडी कटिंग कर चुके हैं वो सरफेस खराब हो सकती है। इसीलिए जो सरफेस इसको, इसको घिसने से या रगड़ने से बचाता है उस सरफेस को हम बोलते हैं फ्लैंक। सो अब कुछ टर्म्स और आती हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म। एक है आपकी डी है जिसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट क्या होती है? डेप्थ ऑफ कट होती है आपकी जो आपका अनकट सरफेस है। अनकट सरफेस का मतलब वो सरफेस जो आपका कट अभी तक नहीं किया हो। जैसे ये वाला जो सरफेस है वो आपका अनकट सरफेस है, और ये सरफेस जो आपका कटिंग होते हुए आ रही है इसको हम बोलते हैं कट सरफेस। सो डेप्थ ऑफ कट क्या है? डेप्थ ऑफ कट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कट सरफेस एंड अनकट सरफेस। मींस जो सरफेस हम कट कर चुके हैं और जो सरफेस अभी कट होनी बाकी है उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट। इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ इंक्लाइन डिस्टेंस लें, उसमें क्या होगा जो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकती है। सो ये हो गया आपकी डेप्थ ऑफ कट। और यहीं पे हम एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं अनकट चिप थिकनेस। टी जिसको हम बोलते हैं अनकट चिप थिकनेस। टी इज योर अनकट चिप थिकनेस। मींस
अभी तक कटी नहीं है उसकी थिकनेस को हम बोलेंगे अनकट चिप थिकनेस। और यहाँ जो चिप आपकी जनरेट हो चुकी है या जो चिप बन चुकी है इसको हम नाम देंगे टीसी। जो चिप बन चुकी है उसको हम नाम देंगे टीसी। सो टीसी इज व्हाट? टीसी है आपकी कट चिप थिकनेस। टीसी है आपकी कट चिप थिकनेस जो कि आपकी कटिंग हो चुकी है उस चिप की थिकनेस। सो एक है आप एक टर्म आती है आर जिसको बोलते हैं चिप थिकनेस रेशियो आर, वो आपका होता है टी ऑब्लिक टीसी जो आपकी अनकट चिप है उसका अपॉन जो चिप कट हो चुकी है उन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं आर चिप थिकनेस रेशियो। अब देखिए यहाँ पे डी और टी की बात करते हैं जो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट जो देख रहे हैं आपको डी डेप्थ ऑफ कट है और टी है आपकी जो कट थिकनेस है अनकट चिप थिकनेस है डी एंड टी। डी जो है वो आपका इस केस के अंदर बराबर होगा। कौन से केस के अंदर? ऑनली इन ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल के कटिंग के अंदर क्या होगा? जो डी है आपका डेप्थ ऑफ कट है वो आपका जो अनकट चिप थिकनेस है उन दोनों के बराबर होगा। लेकिन डी इज नॉट इक्वल टू टी का इन ऑब्लिक इन ऑब्लिक कटिंग के अंदर डी इज नॉट इक्वल टू टी जो अनकट चिप थिकनेस है और जो आपका ये डेप्थ ऑफ कट है ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर ये चीजें बराबर हैं। अब ये आपका रेक सरफेस था जिस सरफेस के ऊपर से आपकी चिप मूव करेगी उसको हमने बोला रेक सरफेस और जिसके इस सरफेस के अपोजिट जो सरफेस है उसको हमने बोला फ्लैंक। इसके बाद में आपका एक एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ये जो एंगल है आपका यहाँ पे जो एंगल आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। नाउ इज व्हाट? ये आपका है क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल क्यों जरूरी है? क्लियरेंस एंगल इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि यहाँ पे क्लियरेंस एंगल नहीं होगा तो क्लियरेंस एंगल नहीं होगा तो ये जो टूल है ये पॉसिबिलिटी है कि टूल आपका जो वर्कपीस है जिसके ऊपर आप कटिंग कर रहे हैं उसके जो आपने फिनिश सरफेस है जहां से आपने कटिंग कर दी है उस सरफेस के ऊपर टच होता हुआ है। आगे तो आपकी कटिंग हो रही है लेकिन पीछे से जब उस सरफेस के ऊपर ये टच होगा उस केस के अंदर क्या होगा? इसकी जो सरफेस फिनिश है वो खराब हो सकती है। तो इसीलिए हमने क्या किया टूल के अंदर एक क्लियरेंस एंगल लगा रखा। जो क्लियरेंस एंगल क्या है कि जो इसको इस जो आप सरफेस कट कर चुके हो उस सरफेस के ऊपर टच होने से बचाएगा जिससे कि आपकी जो सरफेस फिनिश है वो खराब ना। सो क्लियरेंस एंगल की वैल्यू है वो कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होती है। क्लियरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी 3 डिग्री टू 15 डिग्री के बीच में लाई है, कभी भी जीरो नहीं होगा। और इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेंगे? 3 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में। अब हम मान लेते हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट एंगल की बात करते हैं उसका नाम है रेक एंगल। सो रेक एंगल जाने से पहले हम एक बात करते हैं कि हम एक हाइपोथेटिकल प्लेन एक प्लेन मानते हैं। ये आपका एक रेफरेंस प्लेन हम जनरेट कर लेते हैं। ये देखिए जी जो मैंने ग्रीन लाइन से लाइन बनाया ये आपका एक हाइपोथेटिकल प्लेन है। सपोज करते हैं कि भाई ये एक प्लेन है और ये जो प्लेन है ये प्लेन हम मानते हैं कि जो आपका कट सरफेस है जहां से आपने मशीनिंग कट चुके हैं या जहां से आपने मटेरियल को रिमूव कर लिया है उस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक सरफेस प्लेन कंसिडर करते हैं जिसको हम हाइपोथेटिकल प्लेन बोल देते हैं या फिर एक रेफरेंस प्लेन बोल देते हैं। सो रेक एंगल क्या है? रेक एंगल होता है इस हाइपोथेटिकल प्लेन और जो रेक सरफेस के बीच का जो एंगल है इसके बीच में हाइपोथेटिकल प्लेन आपको देख रहा है ग्रीन वाला और जो रेक सरफेस कौन सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर से चिप मूव करती है उसको हम बोलते हैं रेक सरफेस। सो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है दिस वन ये जो एंगल है आपका अल्फा ये है आपका रेक एंगल। रेक एंगल जो एंगल है ये कटिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। रेक एंगल की वजह से
हम डिसाइड करते हैं या फिर ऐसे कि कौन से मटेरियल को हमें मशीन करना है और कौन से मटेरियल के लिए कितने रेक एंगल पे मशीन करना है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो रेक एंगल है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। सो रेक एंगल हम ये भी कह सकते हैं कि रेक एंगल जो मेटल कटिंग के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एंगल है। इसकी वजह से ये सब कुछ डिसाइड होता है कि कौन सा मटेरियल कट करना है, कितना एंगल उसके लिए यूज करना है, सॉफ्ट मटेरियल है या फिर आपका हार्ड मटेरियल है। सो अभी हमने जो बेसिक फिगर था मेटल कटिंग का जिसके अंदर अपनी शेयर फोर्स की बात की थी, डिफरेंट डिफॉर्मेशन जोन की बात की थी और रेक सर्फेस की बात की थी, प्लैंक की बात की थी, डेप्थ ऑफ कट की बात की थी, चिप थिकनेस की बात की थी। सो हमने वहाँ पे एक एंगल की बात की थी रेक एंगल, जो हमने बताया था कि हाइपोथेटिकल प्लेन और जो रेक सर्फेस है उसके बीच का जो एंगल है उसको हमने बोला था रेक एंगल, रेक एंगल। सो अब बात करते हैं कि रेक एंगल होते कितने। तो हमारे पास जो रेक एंगल है वो तीन तरह के रेक एंगल होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव रेक एंगल, एक होता है आपका जीरो रेक एंगल और एक होता है आपका नेगेटिव रेक एंगल। अब बात होती है कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। सो हमने जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात की थी कि रेक एंगल है आपका हाइपोथेटिकल प्लेन और रेक सर्फेस के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं रेक एंगल। और हाइपोथेटिकल प्लेन कौन सा था? हाइपोथेटिकल प्लेन था कि जो आपका कट सर्फेस है उसके परपेंडिकुलर हम एक प्लेन अज्यूम करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल प्लेन। सो इस सर्फेस की बात करते हैं, इस फिगर की बात करते हैं, तो ये आपका वर्क पीस है, ये आपका टूल। सो हाइपोथेटिकल प्लेन कौन सा होगा? ये आपका हाइपोथेटिकल प्लेन, दिस इज योर हाइपोथेटिकल प्लेन। सो हाइपोथेटिकल प्लेन और जो रे सर्फेस है उसके बीच का जो एंगल है वो आपका होगा रेक एंगल। सो ये जो एंगल है आपका ये होगा आपका रेक एंगल, इसको हमने बोल दिया पॉजिटिव रेक एंगल। यहां बात करते हैं नेगेटिव रेक एंगल की। सो पहले सबसे पहले हम बताते हैं हाइपोथेटिकल प्लेन। सो हाइपोथेटिकल प्लेन आपका ये आपका हाइपोथेटिकल प्लेन है, ये आपका हाइपोथेटिकल प्लेन है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेक एंगल क्या है? हाइपोथेटिकल प्लेन और रेक सर्फेस, और रेक सर्फेस कौन सर्फेस है? जिसके ऊपर से चिप आपकी मूव करेगी। तो इस फिगर के अंदर जब हम कटिंग करेंगे तो जो चिप है वो इस सर्फेस को कट करेगी, टच करेगी। सो ये आपका रेक सर्फेस होगा, ये वाला आपका रेक सर्फेस होगा। सो जो आपका रेक एंगल हुआ वो एंगल हुआ आपका ये वाला। सो ये जो एंगल है इसको हमने बोल दिया रेक एंगल, लेकिन ये नेगेटिव में है इसलिए हमने इसको बोल दिया नेगेटिव रेक एंगल। थर्ड जो है वो आपका जीरो रेक एंगल है, इट मींस जो आपका हाइपोथेटिकल प्लेन है और रेक सर्फेस जो है ये आपका रेक सर्फेस है और यही आपका हाइपोथेटिकल प्लेन है। ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो जब ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो है। सो जो आपका रेक एंगल है वो आपका जीरो है। अब बात आती है कि ये जो हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पढ़े हैं, पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल की बात की और आपकी जीरो रेक एंगल की बात की, इन तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। सो पॉजिटिव रेक एंगल क्या है, कहाँ यूज करते हैं? कि जहाँ जब हम पॉजिटिव रेक एंगल यूज करेंगे उस केस के अंदर क्या होगा, जो कटिंग फोर्स है और जो कटिंग पावर है वो कम यूज होगा। वो कम यूज क्यों होगा? वो कम यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ भी देखिए जो टूल है वो टूल एज कम्पेयर टू आपका जो नेगेटिव एंगल है उसके कंपेरिजन में इसकी जो टिप है जो नॉक है वो पतला है, टूल भी आपका पतला है। सो जब इस चीज को आप कटिंग करोगे तो क्या होगा, इस टूल से आप सिर्फ जो लो स्ट्रेंथ के मटेरियल है, जो आपके लो स्ट्रेंथ के मटेरियल है उन्हीं को कट करोगे। सो लो स्ट्रेंथ के मटेरियल को कट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? कम फोर्स लगाना पड़ेगा और उसकी वजह से आपको कटिंग पावर है वो आपका कम लगेगा। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं जब लो स्ट्रेंथ का मटेरियल जब आप कटिंग कर रहे हो उस केस के अंदर आपको पॉजिटिव रेक एंगल यूज करना पड़ेगा। सो पॉजिटिव रेक एंगल क्या है? ये आपका कटिंग फोर्स कम यूज होता है, इसके अंदर आपका जो कटिंग पावर है वो कम लगती है। और इसको हम रिकमेंड कब करते हैं, कब हम इसको यूज करेंगे? जब आपको लो स्ट्रेंथ के मटेरियल को आपको मशीन करना हो और आपका जो सेटअप है जो आपका वर्कपीस है जहाँ मशीनरी में जहाँ लगा हो आपका, उसकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी कम हो। जब स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी कम होगी उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ भी हम पॉजिटिव रेक एंगल को यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे आपकी कटिंग स्पीड कम है या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव रेक एंगल के लिए हम कटिंग स्पीड को कम रखते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रेक एंगल की। सो नेगेटिव रेक एंगल इसके
टोटली अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस कैसे कि इसकी जो एज की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, एज की स्ट्रेंथ ज्यादा है कैसे मैकेनिकली एंड थर्मली। मैकेनिकली इसका जो एरिया है वो ज्यादा, सो जब इसका एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। उसके बाद करते हैं थर्मली, थर्मली का मतलब ये हुआ कि जब भी वर्कपीस और टूल कॉन्टेक्ट के अंदर आएंगे उस केस में क्या होगा, जब बेंडिंग होगी तो वहां पे हीट डिसिपेट होगी, जब हीट डिसिपेट होगी तो हीट को डिसिपेट होने के लिए यहाँ पे आपको जो एरिया है वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जो टूल है वो आपका उसका एरिया ज्यादा है, सो इसकी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। जब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हम इसको यूज करेंगे जो हाई स्ट्रेंथ के अलॉयज हैं या फिर मटेरियल्स हैं उनको कट करने के लिए हम आपका नेगेटिव ब्रेक एंगल को यूज करेंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कटिंग फोर्स है वो भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ऑब्वियसली कटिंग पावर भी आप जो पावर कंजप्शन है वो भी ज्यादा होगा। सो और आपको जहां पे जब कटिंग करोगे तो इसकी स्पीड भी आपको कुछ हाई रखनी पड़ेगी। सो जो एज स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, उसके बाद में है जो कटिंग फोर्स है, जो कटिंग फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो भी आपका ज्यादा होगा, इसकी कटिंग स्पीड भी आपको यहाँ पे जब कटिंग करेंगे इससे तो आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। देन मशीनिंग हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, जैसे मैंने बात बताई कि हाई स्ट्रेंथ के मटेरियल्स को जहां पे आप मशीन करना पड़ेगा वहां पे आप नेगेटिव एंगल्स को यूज करोगे और आपको कटिंग के दौरान आपको हाई स्पीड रखनी पड़ेगी और इसका जो सेटअप है वो आपका रिजिड रखना पड़ेगा, क्योंकि जब रिजिड सेटअप नहीं रखोगे तो क्या होगा, जब हाई फोर्स वहां पे लगेगा तो क्या होगा, जो सेटअप है जो आपको वर्कपीस से जो आपने जो भी वहां पे चीजें लगा रखी है वो सब वहां से निकलने की पॉसिबिलिटी है। सो सेटअप आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं मान लो थोड़ा सा सेटअप जो पॉजिटिव रिटेन की बात करें तो यहाँ पे वो सेटअप थोड़ा आपके अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि फोर्सेस कम लग रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे थर्ड जिसको बोलते हैं जीरो रेट एंगल। तो इसमें क्या है कि जो आपका रेफरेंस प्लेन है और जो आपका रेक सरफेस है वो तीनों दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड करने की वजह से क्या हो जो एंगल है आपका वो जीरो है, इसीलिए हम इसको पूरा जीरो रेट एंगल। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज जो है वो पॉजिटिव रेट एंगल और नेगेटिव रेट एंगल के बीच बात करते हैं। वैसे जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स भी इससे तो ज्यादा लगेगा उससे कम लगेगा, स्ट्रेंथ की बात करें तो इन दोनों के बीच की बात रहेगा, लेकिन जो दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए वो ये है कि नेगेटिव रेट एंगल यूज कहाँ करते हैं। तो तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि जब भी आप मशीनिंग को ब्रास को टर्निंग करोगे उस केस के अंदर आपको जीरो रेट एंगल यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में जब भी आप कास्ट आयरन की मशीनिंग करोगे तो उस केस के अंदर जब आप टूल यूज करोगे तो उसका भी आपको जो रेट एंगल है वो आपको जीरो लेना पड़ेगा। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि जो सिंगल पॉइंट थ्रेड टूल है, जब हम थ्रेड्स बनाते हैं तो जब सिंगल पॉइंट थ्रेड टूल यूज करते हैं उसका जो रेट एंगल होगा वो भी आपको जीरो यूज करना पड़ेगा। या फिर कहते हैं इन तीनों केसेस के अंदर जो रेक एंगल होगा आपका जीरो होगा। सो ये हमारे तीन डिफरेंट टाइप के रेक एंगल थे, पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल एंड जीरो रेक एंगल।